इतिहास में हजारों राज दफने, ये राज समय के साथ साथ सामने आते रहते हैं, मगर इन पर लोग कितना विश्वास करते हैं ये तो नहीं जानते, मगर इन रहस्य पर्दे खुलते रहते हैं। ऐसा ही एक और रहस्य सामने आ रहा है। गुजरात के डभारी गांव के पास अरब सागर में 130 फीट की गहराई में 10,000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। ये क्षेत्र सूरत के नज़दीक ओलपाड तहसील में आता है। एक्सपर्ट इसे भगवान श्री कृष्ण की बसाई द्वारका का नगरी का हिस्सा मान रहे हैं। अरब सागर में पॉलफ्रूशन लेवन की जांच में जुटी टीम का ये कामयाबी मिली है। सरकार यहां द्वारका के अवशेषों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए आर्कियोलॉजी के मॉडर्न तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। 2000 से 2011 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की ओर से समुद्र में पॉल्यूशन की जाँच के दौरान से अवशेषों का मिलना शुरू हुआ है। 1988 में इसी समुद्र के इलाके में आर्कियोलॉजी एंड ओशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को समुद्र के गर्भ में एक पर्वत मिला था। माना जा रहा है कि ये पर्वत समुद्र मंथन के वक्त इस्तेमाल हुए शिखर का हिस्सा है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण ने मथुरा में मामा कंस का वध किया था। इसके बाद कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने कृष्ण सहित यादवों का नाम निशान मिटाने का तय किया था। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अरब सागर किनारे द्वारका नगरी स्थापित की, जो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डूब गया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।